टीवी के फेमस सीरियल भाभी जी घर पर हैं के चाहने वालों के लिए आज का दिन एक बुरी खबर लेकर आया है। इस सीरियल के मलखान यानी एक्टर दीपेश भान का निधन हो गया है। इस खबर के सामने आने के बाद सभी को बड़ा झटका लगा है। 41 साल के दीपेश के अचानक हुए निधन से शो के स्टार्स और क्रू मेंबर्स शोक में डूब गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दीपेश शनिवार सुबह क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसे में वे अचानक जमीन पर गिर गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस सीरियल में मोहनलाल तिवारी के किरदार को निभाने वाले एक्टर रोहिताश गौड़ ने दीपेश भान के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा, आज हमारा शूट पर जाने का टाइम थोड़ा लेट था, तो मुझे लगा कि वह अपने जिम के बाद सीधा क्रिकेट खेलने चले गए थे, यही उनका फिटनेस रूटीन था, लेकिन खेलते हुए वह अचानक से गिरकर बेहोश हो गए। हम सभी के लिए बड़ा झटका है। रोहिताश ने आगे बताया कि दीपेश उन लोगों में से थे जो अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखते थे, वे फिटनेस फ्रीक थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपने इमोशंस को बयां करूं। आपको बता दें, दीपेश भान को मलखान के अपने मज़ेदार किरदार के लिए जाना जाता है। उन्होंने भाभी जी घर पर हैं के अलावा कॉमेडी का किंग कौन, कॉमेडी क्लब, भूत वाला, FIR समेत सुनना, चिल मार जैसे शो में काम भी किया है। जानकारी के मुताबिक दीपेश दिल्ली पढ़ाई करने के बाद साल 2015 में मुंबई आ गए थे। साल 2019 में उन्होंने दिल्ली में ही शादी की थी और पिछले साल जनवरी में दीपेश एक बच्चे के पिता भी बने थे, जिन्हें वो अपने पीछे छोड़ गए। सनराइज की पूरी टीम की तरफ से दीपेश को भावभीनी श्रद्धांजलि। धन्यवाद।